चलिए, गुड मॉर्निंग जी। आज बात करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन की, ठीक है। तो आज का डिस्कशन जो है, एक छोटा सा क्विक रिव्यू लेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स का, और फिर पिछले 10 साल का PYQs हम लोग करेंगे। चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं कर सकते इसका, लेकिन फिर भी एक क्विक रिव्यू लेते हैं इसके सारे थ्योरी का और जितना नीट के लिए ज़रूरत है, और उसके बाद पिछले 10-12 साल का PYQ हम लोग करेंगे, फटाफट निकालेंगे चीज़ों को। एक और बात बताएं कि जैसे अगर आपको इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत है तो मेंटर्स का ही एक वरदान सीरीज है, यूट्यूब चैनल पे ही फ्री है, आप उस पर जाइए, आप चैप्टर वहाँ पे ढूंढिए सेंटर ऑफ मास कॉलिजन, आपको बहुत सारा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेगा, सारा कंसेप्ट दिखेगा। तो आप वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल के लिए स्टार्ट कर देते हैं सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन, ठीक है। तो अगर बात करें कि सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास दो तरीके से निकालेंगे। एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का और एक कंटिन्यूस बॉडी का, ठीक है। एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का और किसका, तो कंटिन्यूस बॉडी का, ठीक है, कंटिन्यूस बॉडी का। तो अगर हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की बात करें, सबको पता है ये चीज़ कि अगर हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो करना क्या है कि जैसे मान के चलो कि सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं किसका, तो पार्टिकल सिस्टम का, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का, पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि माना कि कोई पार्टिकल है M1, ठीक है, इसका कुछ है पोजीशन वेक्टर कितना, तो R1, कोई दूसरा पार्टिकल है M2, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, तो R2। उसी तरह n है और nth पार्टिकल है और उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, तो Rn है। तो इस सारे का अगर आपसे सेंटर ऑफ मास पूछ ले, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप सीधा जवाब देंगे M1 R1 प्लस M2 R2, से लेके कहाँ तक, तो Mn Rn, होल डिवाइडेड बाय टोटल मास। M1 से लेके कहाँ तक, तो Mn तक, ठीक है। अब अगर इसके x कोऑर्डिनेट की बात करेगा, जैसे x cm बोलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, M1x1 प्लस M2x2 से लेके पूरा का पूरा, अगर n पार्टिकल है, Mn xn होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, M1 से लेके कहाँ तक, तो Mn तक, और अगर आपके YCM की बात करेगा, ठीक है, पोजीशन Y एक्सिस पे पूछेगा, तो उसी तरह क्या करोगे बाबू, M1 Y1 प्लस क्या लिखोगे, M2 Y2 से लेके कहाँ तक, तो Mn Yn होल डिवाइडेड बाय M1 से लेके कहाँ तक, तो Mn तक। और उसी तरह Z एक्सिस के लिए Z में लिख देंगे, ठीक है। तो XCM ये, YCM ये। एक सवाल उठता है कि सर अगर दो ही पार्टिकल हो तो क्या करें, तो लिखेंगे M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1y1 प्लस M2y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, बस इतना सा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया पार्टिकल सिस्टम के लिए, एक बात और याद रखिए, कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, अगर बॉडी कैसा है, तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये हुआ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की बात कर दी हमने। अब आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, किस पे, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। कि जैसे मान के चलो क्या सीखे अभी कि पोजीशन वेक्टर RCM, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना है बाबू, M1 R1 प्लस M2 R2 से लेके कहाँ तक, तो Mn Rn तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास टोटल, M1 से लेके Mn तक, ठीक है। आपको पता है कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में किया जाए, तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, t, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन आर विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, किसका? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो मास तो कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? डी आर वन बाई डी टी प्लस, इसी तरह से क्या कहाँ तक ले जाएंगे? एम एन, डी आर एन बाई डी टी, डी आर एन बाई डी टी से लेके क्या एम वन प्लस से लेके, एम वन से लेके कहाँ तक? तो एम एन तक, एम वन से लेके कहाँ तक? तो एम एन तक। ठीक है, तो अब देखो पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो गया? वेलोसिटी VCM। ये क्या हो गया तब? M1 V1 से लेके कहाँ तक? तो MN VN, MN VN डिवाइडेड बाय M1 से लेके कहाँ तक? तो MN तक। अच्छा सुनो गौर से, इसमें याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जैसे XCM इक्वल टू, पोजिशन की बात करें तो M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। उसी तरह से VCM इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। VCM का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। VCM की अगर बात करें तो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और वेक्टर के साथ, वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर के साथ अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों घटेगा, किसी और डायरेक्शन में है तो वेक्टर का यूज कर लेंगे अच्छे से। अच्छा सिमिलरली, उसी तरह से सिमिलरली अगर उसी तरह से बात करें बाबू, अगर फिर से डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी को तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया ACM इक्वल टू क्या यूज करेंगे? M1 A1 से लेके MN AN, MN AN अपॉन M1 से लेके कहाँ तक? तो MN तक। ठीक है, ACM इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। एकदम इससे आसान और क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए तो ये हमने बात करी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इंपल्स पे, जहां जहां से सवाल आता है उस पॉइंट को हिट किए हैं। ठीक है, कि देखो तो जरा सा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से क्या होगा, जरा सा बताना, जरा सा ध्यान से बताना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको आता है, क्या आता है भैया? एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, इसका डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं एनएलएम में। अब यहां से थोड़ा सा उठाते हैं कि क्या सीखे बोलो तो वीसीएम इक्वल टू एम वन वी वन से लेके कहां तक? एम एन वी एन डिवाइडेड बाय मास टोटल, डिवाइडेड बाय मास टोटल। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास टोटल। और सुनना, मास टोटल इंटू VCM, मास टोटल इंटू VCM। ठीक है, मास टोटल इंटू VCM कैसे निकालोगे? मोमेंटम पहला का प्लस मोमेंटम दूसरा का। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या बताना चाह रहे हैं, से लेके मोमेंटम किसका? nth का। तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम अगर लिखना है, सिस्टम का, एक का नहीं, अब यहां पे n पार्टिकल है, सिस्टम का अगर टोटल मोमेंटम लिखना है तो मास टोटल का, ठीक है, मास टोटल का और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंफर्म है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब ये तो एक बात हो गई। अब जरा सा ध्यान दो, यहां पे क्या करते हैं, अब सीधा सीधा इस बात पे आते हैं। ठीक है, कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी किसका? तो सिस्टम का। ठीक है, किसका? तो सिस्टम का। और अगर बोल दे इफ एफ एक्सटर्नल जीरो, जो एनएलएम में बात कर चुके थे, अगर एफ एक्सटर्नल क्या? तो जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो तो इसका मतलब अगर ये जीरो तो डेल्टा पी किसका? तो सिस्टम का डेल्टा पी कितना? तो जीरो। इसका मतलब पी फाइनल सिस्टम का बराबर पी इनिशियल किसका? तो सिस्टम का। ठीक है, जरा सा ध्यान से सुनना बाबू क्या बताना चाह रहे हैं, गौर से सुनो। अगर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, पहले भी है फिर से अभी, अगर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बस इतना। अगर कोई बाहरी फोर्स ना लगे तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बस इतनी सी बात है। और इंपल्स इक्वल टू क्या डिस्कस कर चुके थे, इंपल्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, टी इनिशियल टू टी फाइनल, ठीक है। इंटीग्रेशन एफ डी टी इक्वल टू क्या आया था, तो डेल्टा पी आया था। इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या आया था, डेल्टा पी आया था। और इसी को तो बोलते थे इंपल्स। और इंपल्स इक्वल टू क्या हो गया था, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बहुत ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते हैं बालक, ठीक है। आपको अगर डिटेल देखना है तो आप मेंटर्स के ही यूट्यूब चैनल पे जाइए, ठीक है। और वहां पे वरदान सीरीज में पूरा का पूरा डिटेल देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, किसकी, तो कॉलिजन की, ठीक है। तो कॉलिजन को ऐसे भी देखते हैं, एक तो लाइन ऑफ मोशन वाला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ मोशन में बांटते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ मोशन में जो बांटेंगे तो दो तरह का कॉलिजन होगा। आमने सामने वाला जो एकदम सीधा सीधा वाला टक्कर होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन, ठीक है। और थोड़ा एंगल पे जो कॉलिजन होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है, ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक ना। हेड ऑन कॉलिजन और दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है। चलिए ऑब्लिक कॉलिजन। अब एक और बात आता है कि एनर्जी वाले बेसिस पे करते हैं, जहां थोड़ा सा भी एनर्जी बर्बाद ना हो, जहां पे थोड़ा भी एनर्जी बेसिस पे करते हैं, ठीक है, एनर्जी बेसिस पे करते हैं। तो तीन तरह की बात आती है, एनर्जी बेसिस पे करते हैं तो तीन तरह की बात आती है। प्योरली इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। प्योरली इलास्टिक कॉलिजन में ई का मान कितना होगा, 1 होगा। प्योरली इलास्टिक कॉलिजन में ई का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सिस्टम का बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। और ई का मान कितना होगा, 1 होगा। और आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है, प्योरली इन इलास्टिक कॉलिजन, प्योरली इन इलास्टिक कॉलिजन में ई का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं बराबर कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं कि आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, बॉडीज विल मूव टुगेदर, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन। कि आफ्टर कॉलिजन बॉडी अलग अलग मूव नहीं करेगा, क्या करेगा, तो चिपक के मूव करेगा, साथ में मूव करेगा, ठीक है। और बीच का मामला आता है, तीसरा, ठीक है, जिसको बोलते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा बालक, इन इलास्टिक कॉलिजन में 0 से ई का मान बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। यहां पे भी आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं बराबर कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, ठीक है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप बड़े मजे से लगा सकते हैं। एक चीज बताना चाहेंगे बाबू, सुनिएगा, कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तुम कॉलिजन के किसी भी सवाल में लगाओ, और दूसरा आपको जानना चाहिए ई का मान, अच्छा, ठीक है, ई का मान। चलिए स्टडी साउंड देख ले बाबू, साउंड सही है बालक, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ई का मान, अब ई का मान क्या है, तो देखते हैं जरा सा। चलिए ई का मान क्या है, तो ई है, ई जो लिखते हैं, ई क्या है, तो ई है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। E इक्वल टू लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब कितना वेलोसिटी उससे वो सेपरेट हो रहा है, और अप्रोच का मतलब कितना से वो पास आ रहा है। तो और ये कब होता है, तो अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। फिर से बोल रहे हैं बाबू, अगर कोई दिक्कत है तो आप वरदान सीरीज पे जाइए, मेंटर्स के ही यूट्यूब चैनल पे पूरा डिटेल आपको मिलेगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब लगाते हैं? तो आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब लगाते हैं? तो बिफोर कॉलिजन, ठीक है, बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। चलिए, साउंड तो बालक ठीक ही है, अब पता नहीं, अच्छा रुको बोल देते हैं, तुरंत सही हो जाएगा, एक मिनट। वैसे साउंड है तो ठीक, एनीवे। चलिए, तो ये बिफोर कॉलिजन और ये आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे बालक, ठीक है, आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सुनिएगा, ये सारा तो हो गया। अब जैसे कुछ स्पेशल केसेस होता है, कुछ स्पेशल केसेस होता है कि कब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, तो if collision is head on elastic, ठीक है, head on elastic, ठीक है, अगर collision head on elastic है, ठीक है, या फिर collision totally क्या है तो elastic है, तो एक दूसरे से kinetic energy का total क्या हो जाता है तो transfer हो जाता है। तो direct देखिए अब question पे आते हैं, ठीक है। देखिए, ताजा सवाल पूछा है NEET 2023 में, क्या बोला? A bullet of mass m hits a block of mass m elastically, ठीक है, the transfer of energy is maximum, the transfer of energy is maximum। कब होगा? याद रखिए, जब दोनों का मास क्या होगा तो सेम होगा, जब दोनों का मास क्या होगा सेम होगा। पहला बॉडी अपना एनर्जी टोटली किसको पास कर देगा तो दूसरे को पास कर देगा, ठीक है। चलिए आते हैं फिर से अगले सवाल पे। ये वाला क्या बोला? ध्यान दो तो इस पे, ध्यान दो तो इस पे क्या है? Two particle A and B initially at rest move towards each other। गौर से देखना तो इस सवाल को, क्या बोला है? Two particles A and B initially at rest, ठीक है, initially at rest, कि दोनों पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है। तो इनिशियली दोनों किस में है तो रेस्ट में है, ठीक है, इनिशियली दोनों किस में है रेस्ट में है। मूव टुवर्ड्स इच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे बॉडी ये ए है, ये बॉडी कौन है? बी है, एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कैसा नेचर का फोर्स तो इंटरनल फोर्स, कोई बाहरी नहीं लगा रहा है, ये कैसा फोर्स तो इंटरनल। अब बोलोगे सर क्यों इंटरनल? तो सिस्टम में दो ही है, ए है और बी है, ए बी पर लगा रहा है, बी किस पर लगा रहा है तो ए पे, इंटरनल फोर्स लग रहा है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v, ए का स्पीड कितना v, नाउ ए का स्पीड कितना दे दिया तो v, और बी का कितना तो 3v, बी का कितना 3v। द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनिएगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है तो जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है तो जीरो है, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वोंट चेंज, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वोंट चेंज। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं करती है। तो पहले भी वेलोसिटी कितना था सेंटर ऑफ मास का? जीरो, बाद में भी कितना रह जाएगा? जीरो, ठीक है। चलिए अब आइए तो फिर से 23 में पूछा है एक और सवाल, देखो तो क्या बोला? ए 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स ए वॉल विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है। एक दीवार है और ये एक बॉल, यहां से कितना मास है तो 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ये यहां से टकराया और कितना डिग्री पे तो 60 डिग्री पे, ठीक है। ए 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स ए वॉल विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 1 मीटर पर सेकंड से टकराया 60 डिग्री, और ये लौट भी गया, कितना स्पीड से 1 मीटर पर सेकंड से और सेम एंगल के साथ, कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे, ठीक है। चलिए जी प्रफुल, गुड आफ्टरनून बाबू। रिफ्लेक्ट सेम एंगल इफ इट रिमेन इन कांटेक्ट विद द वॉल फॉर 0.1 सेकेंड, टाइम ऑफ कांटेक्ट दे दिया बाबू आपको 0.1 सेकेंड। आपसे पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, ठीक है, ये नीट का बड़ा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन रहता है, बहुत बार पूछा है। तो फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, आपको यही यूज करना है, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। देखो क्या है यहां मामला, गौर से सुन, गौर से सुन। एक बात बताओ तो, एक बात बताओ तो, ये वाला अगर 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला 60, ये वाला 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लीजिए, देखिएगा बड़े आराम से ब्रेक कर लीजिए। इधर वाला क्या हो जाएगा बोलो तो 1 cos 30 और इधर वाला कितना हो जाएगा 1 sin 30, ठीक है। फिर से तब इसको ब्रेक करो, फिर इसको ब्रेक करो, जरा सा ध्यान से देखो कि फिर से अगर गौर से देखोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, ये वाला 30, ठीक है, तो फिर से ये वाला कितना हो जाएगा 30। तो गौर से देखना बाबू, इधर वाला कितना हो गया 1 cos 30 और इधर वाला फिर से कितना हो गया 1 sin 30। देख बालक, दीवार के जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, दीवार के जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द वॉल, पैरेलल टू वॉल, पैरेलल टू वॉल वोंट चेंज, वो तो चेंज किया नहीं, ठीक है। इधर वाला कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, इधर वाला में क्या हुआ, ये गया v से और लौटा भी कितना से, v से। डेल्टा p क्या लिखेंगे बोलो तो, अब फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे जरा बोलना, mv फाइनल माइनस mv इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितना 0.1 और मास को बाहर निकालो। अगर तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे बाबू तो ये डायरेक्शन लेना पड़ेगा निगेटिव। अब बोलो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में अगर ये डायरेक्शन प्लस तो ये डायरेक्शन माइनस लेना पड़ेगा आपको। एम वी फाइनल, तो वी फाइनल इधर कितना हो गया 1 cos 30 माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, माइनस, फिर इधर वाला कितना 1 cos 30, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय कितना तो 0.1। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मास दिया है एट एन एंगल 60 विद द वॉल 1 kg, ठीक है, तो ये कितना है बालक 1 into माइनस माइनस प्लस, तो cos 30 का मान कितना रूट 3 बाय 2 प्लस √3/2 होल डिवाइडेड बाय कितना 0.1 और इक्वल टू कितना आ जाएगा तब बोलो तो ये 10 ऊपर √3/2, तो कितना हो जाएगा √3, 10 into √3, ठीक है, 10 √3 न्यूटन। इस तरह के सवाल में एक और बात, कुछ हिंदी में भी बताते चलिए सर। अरे बालक हिंदी में ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इस वेलोसिटी को तोड़े इधर और इधर, देखो, और इसको तोड़े इधर और इधर, ये वाला भाग बदला ही नहीं, 1 sin नीचे, ये 1 cos इधर और ये 1 cos इधर, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो हैप्पीनेस। अच्छे हैं बाबू, आप बताइए। चलिए तो इसके चलते क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ और ये रहा आपका मामला, ठीक है। तो ये एकदम ताजा तरीन सवाल था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं 22 के। क्या बोला है कि देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ऑफ मास 5 kg, दिया हुआ है मास कितना तो 5 ग्राम दिया है, ठीक है, मास दिया है 5 ग्राम, और मास 5 ग्राम यानी कि 5/1000 kg, हैविंग लीनियर मोमेंटम इतना, यानी कि p बराबर, p पावर वाला नहीं mv वाला, और ये कितना दिया है 0.3, तो 0.3 तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहां से क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय m, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 5 बटे कितना, तो 1000, 5 बटे 1000। और इसको उड़ाओगे तो नीचे में लाना पड़ेगा कितना 10, और ये खत्म हुआ 100 को ले जाओ ऊपर, और ये हो जाएगा 300 बटे कितना 5, और 300 बटे 5 तो कितना हो गया 60। ठीक है, ये हो गया कितना तो 60। अब पूछा है डिस्टेंस कवर्ड, तो यूज करो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इससे आसान और क्या हो सकता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गया आपका कितना 60 और टाइम कितना 5, तो कितना तो 300 मीटर। एक बार चेक कर लीजिए, जितना आसान सवाल रहेगा। चलिए जी, स्टडी आपसे बात कर रहे हैं बाबू। ये क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम। बॉडी का मास दिया है 5 ग्राम, तो बोला है कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 सेकंड में, अगर उसके पास लीनियर मोमेंटम है 0.3 kg/s। ठीक है, लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, तो लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बाबू mv, और mv का मान दिया हुआ है 0.3, तो v मास को इधर ले जाइए, वेलोसिटी निकाल लिए और डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 22 का सवाल पूछा हुआ है। चलिए अगला सवाल आते हैं फिर से 22 पे। क्या बोला कि A cell of mass m is at rest initially. ठीक है, it explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly along the mutually perpendicular direction with speed v, the speed of the third fragment is. सुनिएगा गौर से, क्या बोला, बिफोर एक्सप्लोजन। ठीक है, बिफोर एक्सप्लोजन मास कितना था, तो बिफोर एक्सप्लोजन था मास m। ठीक है, बिफोर एक्सप्लोजन कितना था मास m। ठीक है, बिफोर एक्सप्लोजन कितना था मास m। अब बिफोर एक्सप्लोजन था मास m, ये टूटा है 3 पार्ट में, जिसका मास रेशियो है 2:2:1। अब बोला अच्छा एक बात बताओ, बिफोर एक्सप्लोजन मास m और वेलोसिटी कितनी 0। ठीक है, वेलोसिटी 0। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हो जाएगा, आफ्टर एक्सप्लोजन हो जाएगा ये एक इधर भागा, दूसरा इधर भागा, तो पूछा द स्पीड ऑफ थर्ड वन, थर्ड का स्पीड क्या होगा। तो इसका मान ले बाबू, कैसे तोड़ेगा, टोटल 5 भाग में तोड़ना है, तो m/5 एक भाग हो जाएगा, तो इधर भागा कौन 2m/5। ठीक है, इधर भी भागा कौन 2m/5, और मान लो कि इधर कोई भागा होगा कितना m/5 वाला। चलो ध्यान से, एक को x में भगाए। ठीक है, इक्वल मास फ्लाई अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड v, तो एक को इधर भगाए कितना से वी आई कैप से। ठीक है, अब बोलोगे कि सर वी आई कैप क्यों ले रहे हैं, तो वी आई कैप इसीलिए कि इसको x में माने हैं, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो तो वी जे कैप, और इसका मान के चलो कुछ वेलोसिटी v। चलिए, कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है एक्सप्लोजन में, एक्सप्लोजन तो अपने ही चलते होता है, कोई बाहरी फोर्स नहीं, तो वन कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। p इनिशियल इक्वल टू क्या लिखोगे बाबू p फाइनल, और p इनिशियल कितना हो जाएगा, p इनिशियल 0 क्योंकि रेस्ट में था, और इक्वल टू p फाइनल कितना हो जाएगा बोलो तो 2m/5 v आई कैप प्लस 2m/5 v जे कैप, और प्लस m/5 v वेक्टर, यहां से काम कर सकते हो तुम, बाबू क्या, तो m/5 और m/5 को कॉमन लेके 0 में डाल दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, और तब आपका बड़ा आसान सा मामला आ जाएगा कि v वेक्टर इक्वल टू हो गया कितना -vi कैप -vj कैप। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। सो अब इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बोलो तो √2 × 2 भी आंसर आ गया, 2√2 भी। ठीक है, 2√2 भी ये वाला हो जाएगा। अब हैप्पीनेस का सवाल है सर, मास को 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? गौर से सुनो बाबू। बोला ए सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। सुनिएगा, बढ़िया सवाल होता है, ऐसा खूब पूछता है नीट। शुरुआत में टोटल मास था m, जो किसमें था? रेस्ट में था। ठीक है, अब क्या बोला, इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। ये टूटा है 3 भागों में, ये टूटा है 3 भागों में। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है, 3 भाग में टूटा, लेकिन कैसे टूटा? तो एक का 2 भाग, एक का 2 भाग, और फिर एक एक में। तो कैसे करके बांटेगा? देखो टोटल कितना हो गया, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। टोटल m को इस तरह से बांटो कि एक को मिले 1, एक को मिले 2, एक को फिर से मिले 2, और टोटल कितना हो गया 5। तो कैसे कैसे बांटेगा? पहला हो जाएगा m/5, दूसरा हो जाएगा 2m/5, और तीसरा भी हो जाएगा 2m/5। पहला भाग कितना? पहला भाग 1 वाला कितना, m/5, दूसरा 2 गुना 2m/5, और तीसरा भी 2 गुना 2m/5। रेशियो प्रोपोर्शन वाला मामला था। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है, इफ द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर जो इक्वल है, तो इक्वल कौन कौन है, 2m/5 परपेंडिकुलर भागा, तो एक को x में भगा दो, एक को किस में, y में, v स्पीड से। तो एक को v i कैप लिख दो x एक्सिस वाले को, और इसको क्या लिख दो, v j कैप लिख दो। ठीक है, v j कैप लिख दो। तीसरा का नहीं पता, तो मान लिए कितना, कहीं भागा है, v वेक्टर से भागा है। ठीक है, और लिख दिए, अगर कोई अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं है, एक्सप्लोजन वाला फोर्स कैसा, इंटरनल फोर्स, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, सॉर्ट आउट करके ये आंसर लेते हैं बाबू, इसीलिए ऐसा किए। चलिए फिर से एक 22 का सवाल है, करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल रहता है। ठीक है, क्या है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू ए 2 इंड्स ऑफ ए रिजिड 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए एकदम आसान सा सवाल, देखिए कैसे, क्या है सवाल, चलिए फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg। ठीक है, 10 kg मास m1 कितना, तो 10 kg, और मास 2 कितना, तो 20 kg, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू 2 इंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर, रॉड की लंबाई 10 मीटर, नेग्लिजिबल मास यानी कि रॉड पे कोई मास नहीं है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 10 kg, यानी कि सारा कुछ नापना कहां से है, 10 kg वाले से, ठीक है, यहां से ही नापना है सारा कुछ। ठीक है, ये ऑरिजिन 10 kg वाला जो है ऑरिजिन क्या है, XCM, जरा बताएगा कोई, XCM सेंटर ऑफ मास पूछा है आपसे। m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलो, पहला मास कितना, 10 kg, और उसका दूरी ऑरिजिन से, यहीं पे तो मास है, तो ऑरिजिन से दूरी कितना, 0, प्लस दूसरा मास 20 kg, उसका दूरी यहां से कितना, 10, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस 10 प्लस कितना, तो 20, 10 प्लस 20। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्टडी इट्स ओके, आप हैं, बहुत है। तो ऐसे भी आज रामनवमी है जी, तो लोग पूजा पाठ में बिजी है। ठीक है, तो उतना दिल पे लेना नहीं है। XCM इक्वल टू क्या हो गया, तो कितना हो गया बताओ, तो ये हो गया 20 × 10/30। ठीक है, तो ये कितना हो गया बाबू, 20/3 मीटर, 20/3 मीटर। ठीक है, 20/3 मीटर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से 2021 पर पूछा हुआ सवाल है क्या, जरा ध्यान से देखो। तो A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter. ठीक है, ये सरफेस, ठीक है, और इसको ड्रॉप किया गया मास कितना को, 0.15 kg को, 0.15 kg को ड्रॉप किया गया कितना से, तो स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड ड्रॉप फ्रॉम हाइट कितना, तो 10 मीटर, हाइट 10 मीटर। ये यहां से कुछ टकराएगा बाबू, v से। ठीक है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू सेम हाइट। अच्छा एक बात बताओ, चलिए जी अक्षत, गुड आफ्टरनून बाबू, क्या बोला कि ये यहां से टकराया और फिर सेम हाइट तक उठा। सेम हाइट तक जाने के लिए, सेम हाइट तक जाने के लिए इसको जाना भी पड़ेगा सेम ही वेलोसिटी से, सेम ही वेलोसिटी से, तब जाके ये यहां तक जा पाएगा। ये सबको पता है, काइनेमेटिक्स का बात है, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी कितनी, तो वेलोसिटी हो गई h हाइट तक गिरते गिरते वेलोसिटी आ जाता है कितना, √2gh, √2gh, √2 इंटू जी इंटू एच, तो कितना हो गया बोलो तो 10√2। अब सॉरी 10√2, 10√2। अब क्या पूछा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड, तो जस्ट अभी यूज किए हैं इंपल्स इक्वल टू, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, गौर से सुन, मोमेंटम कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऊपर वाले को प्लस तो नीचे वाले को माइनस, ठीक है। अगर ऊपर प्लस लेना पड़ा तो नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। और तब क्या लिखेगा बोलो तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। मास, मास को कॉमन ले लो, वी फाइनल कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हो गया वी फाइनल और ये क्या हो गया वी इनिशियल, टक्कर के बाद, टक्कर के पहले। तो v फाइनल, तो v को किस में, तो प्लस में, ठीक है। v माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और v इनिशियल, v इनिशियल डाउनवर्ड, तो इसको तुमको माइनस में लेना पड़ेगा, ये हो गया माइनस v, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2mv और इक्वल टू हो गया 2 इंटू 0.15 इंटू वेलोसिटी कितनी 10√2। इसको सॉल्व अगर करना चाहो तो बड़े मजे से सॉल्व कर सकते हो, अगर जगह है तो कर ही लें हम लोग, ठीक है। कितना हो गया 2 इंटू 0.15, तो 15 बटे 100 गुना 10√2, तो ये और ये कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, दिए 2 और 2 कट गया 3√2, और √2 का मान अप्रोक्स 1.4, तो 14 तिया 42, अप्रोक्स 4.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर से आते हैं अगले पे। अब है क्या, देखो नीट 2020 का सवाल क्या बोला बाबू, क्या बोला, 2 particles of mass 5 kg and 10 kg, ठीक है। 2 particles of mass 5 kg and 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द 2 ends ऑफ रिजिड रॉड। और फिर से वही उसी तरह का सवाल है जो पहले भी कर चुके थे, ठीक है, जो पहले भी कर चुके थे। अब क्या क्या है बताओ तो, 2 पार्टिकल है, एक का मास कितना, पहले का मास कितना, पहले का मास 5 kg है, पहले का मास 5 kg है। 2 particles of mass 5 kg and 10 kg रेस्पेक्टिवली, और दूसरे का मास कितना 10 kg, दूसरे का मास कितना तो 10 kg, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर अटैच टू 2 ends ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितना तो 1 मीटर, विद नेग्लिजिबल मास, रॉड का कोई मास वास है नहीं, वो बस अटैच करने के लिए दे दिया। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg, सेंटर ऑफ मास का दूरी कहां से पूछा तो 5 से, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का दूरी कहां से पूछा तो 5 से, यानी किसी को क्या माना तो ऑरिजिन और सेंटर ऑफ मास। चलिए क्या लिखेंगे, एक्ससीएम, क्यों एक्ससीएम वाईसीएम क्यों नहीं, क्योंकि दोनों मास एक्स एक्सिस पे है। क्या लिखेंगे बताओ, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए m1 कितना 5 इंटू, ये सेंटर पे ही है तो इसका खुद का दूरी कितना 0, प्लस m2 कितना 10 और इसकी दूरी कितनी 1, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सो एक्ससीएम इक्वल टू कितना हो गया 10 बटे 15 और ये कितना हो गया 2 बटे 3 मीटर। तो 2 बटे 3 मीटर कितना आता है, ये हो गया 0.67 के आसपास, तो 67 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.67 मीटर हो गया, तो ये हो गया कितना अप्रोक्स ही है, ठीक है, अप्रोक्स 67 सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रोक्स 67 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नीट 2019 वाले सवाल पे, गौर से सुनो बाबू। क्या बोला, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m, ठीक है, ऑफ मास 2m, गौर से सुनना है क्या, अ बॉडी ऑफ मास 4m, बॉडी का मास कितना तो 4m, ठीक है, बॉडी का मास कितना 4m, ठीक है, बॉडी का मास कितना तो 4m, मूविंग विथ स्पीड u, ये कितना स्पीड से u, ठीक है, कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m, ये 2m वाले से जाके कोलाइड किया, इसका ये किस में था तो रेस्ट में, ये बिफोर कॉलिजन का मामला है, ये बिफोर कॉलिजन का मामला है। आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, द कॉलिजन इज हेड ऑन, एकदम सामने सामने का टक्कर, द कॉलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, आफ्टर द कॉलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए। चलो गौर से देखो, कॉलिजन के बाद क्या हो सकता है, ये भागा होगा मान के चलो कुछ v1 से, ये टक्कर मारा इसको, ठीक है, ये चल रहा था u से, ये रुका हुआ था, टक्कर मारा, ये भी भागेगा और ये भी चलेगा, तो ये माना कितना से 2m, कितना से तो v2 से, ठीक है। कॉलिजन का सवाल है, लगा दीजिए शॉक से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, तो मोमेंटम इनिशियल 4m इंटू यू प्लस 2m इंटू जीरो इक्वल टू कितना लिखेगा बालक, 4m v1 प्लस 2m v2, 2m v2, m m m या फिर 2m ही कटा दो सब में, ठीक है, सब में 2m कटा दो, 2m यहां से, 2m यहां से, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2m यहां से और यहां से भी कितना 2m, तो कितना बचेगा 2, तो क्या हो गया 2u इक्वल टू 2v1 प्लस v2, 2v1 प्लस v2, ये तो पहला, ठीक है। चलिए जी, हैप्पीनेस, बहुत अच्छे, थैंक यू बाबू। तो 2v1 प्लस कितना हो गया v2 और 2u। चलिए अब अगला क्या, नेक्स्ट E का मान क्या बताए थे बालक, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेट कब होगा, जब टक्कर के बाद, तो सेपरेशन क्या लिखेंगे v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच, कितना से पास आ रहा है, ये तो रुका है, ये पास आ रहा है कितना से u से, तो यहां से फिर से क्या हो जाएगा, और E का मान कितना तो 1, क्यों 1, क्योंकि कॉलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो u इंटू 1, तो u इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, इक्वेशन 2। नाउ अब क्या करेगा, अब सीधा सीधा सा मामला है कि अब सॉल्व कर ले, u इक्वल टू v2 माइनस v1 और यहां से कितना बोलो तो 2u इक्वल टू 2v1 प्लस v2, चलो घटा दें, ठीक है, घटा दें इसीलिए कि v2 को एलिमिनेट कर देंगे, माइनस ये खत्म हो गया, ठीक है, माइनस और माइनस ये खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया जरा सा देखो, तो ये हो गया माइनस 2u प्लस यू, तो ये हो गया माइनस यू इक्वल टू माइनस 2v माइनस ये माइनस 3v1 और यहां से आ गया v1 इक्वल टू यू बाय 3। अब लास्ट में पूछा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बढ़िया सवाल था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, कौन सा लॉस, कोई और की फ्रैक्शनल लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस बाय ओरिजिनल, अगर नहीं याद है तो याद रखेंगे। लॉस का मतलब क्या, इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस का मतलब क्या बालक, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल एनर्जी कितना है इसका देखोगे, इनिशियल एनर्जी कितना है इसके पास, हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर माइनस फाइनल कितना, हाफ 4m इंटू फाइनल कितना है तो v1 का मान कितना u बाय 3, हाफ v1 u बाय 3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय इनिशियल हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर, सब में वही है, हाफ 4m यू स्क्वायर, हाफ 4m यू स्क्वायर, हाफ 4m यू स्क्वायर, और घटा के तब कितना हो जाएगा तो 8/9, ठीक है, 8/9। चलिए तब देखिए, तो ये ठीक ठाक सवाल था। अब आगे 2018 की बात, चलिए देखें तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collide another stationary block having mass 4m, the lighter block come to rest after collision when the initial velocity of lighter then the value of coefficient of restitution. क्या क्या है जरा ध्यान दे. बोला a moving block having mass m, एक ब्लॉक का मास m है, एक ब्लॉक का मास m है, collide with another stationary block having mass 4m, having mass 4m. ठीक है, ये मूव कर रहा है मान के चलो u से, और 4m भैया किसमें है तो रेस्ट में है. ठीक है, ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विथ अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m, द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट. ये तो हो गया बिफोर कॉलिजन का मामला. आफ्टर कॉलिजन क्या बोला है, द लाइटर ब्लॉक यानी कि हल्का वाला, हल्का वाला अब आ गया किसमें तो रेस्ट में, हल्का वाला किसमें आ गया तो रेस्ट में. ठीक है, हल्का वाला किसमें आ गया तो रेस्ट में. द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कॉलिजन When the initial velocity of lighter block is v. अच्छा, initial इसका कितना था तो v था. ठीक है, initial कितना था तो v था. Value of coefficient of restitution. टक्कर के बाद ये इसमें टक्कर मारा, ये कुछ भाग गया होगा आगे. ठीक है, 4m भाग रहा होगा आगे मान के चलो v2 से. और सवाल क्या बोला, टक्कर के पहले ये चल रहा था, टक्कर के पहले ये चल रहा था, और टक्कर के बाद हल्का वाला रेस्ट में, टक्कर के चलते ये भागने लगा v2 से. पूछा है E का मान कैसे निकालेंगे, किसका सवाल है, कॉलिजन का. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या mv इक्वल टू, mv इक्वल टू, अच्छा इसका कितना जीरो, इसका कितना जीरो, सीधा सीधा क्या है 4m v2, mm कटा दे और v2 का मान कितना ले ले, v2 का मान v/4. अच्छा ठीक, यहां तक तो सही है. चलिए बाबू, साउंड चेक है स्टडी. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे. अब E का मान, E का मान क्या होता है, E का होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये रुका और ये चल रहा है v2 से, तो कितना से सेपरेट हो रहा है v2 से. अप्रोच, ये रुका है ये पास आ रहा है कितना से v से, और v2 का मान कितना है बोलो तो v/4, v/4 इंटू v, ये कट गया 1/4, 1/4 मतलब 0.25, 0.25. ठीक है, 0.25. चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे. ठीक है, अगले सवाल पे तो ये 2017 का सवाल पढ़ना पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. गौर से सुनना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग चीज है, ये दोनों तभी कॉन्साइड करेगा जब बॉडी सिमेट्रिकल होगा. ठीक है, ओनली व्हेन बॉडी इज सिमेट्रिकल, बॉडी इज सिमेट्रिकल. ठीक है, तो ये तो मामला गलत हो गया. ठीक, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, नहीं. ठीक है, नहीं. A couple of a body produces translational and rotational motion in a body. ये couple क्या है, दो equal and opposite force. couple क्या है तो couple है two equal and opposite force, opposite force acts at different point, acts at different point. जरा सा देखिए तो क्या करेगा, मान के चलो कोई रॉड है. ठीक है, मान के चलो कोई रॉड है, इधर से लगाओ F और इधर से लगाओ F. ठीक है, मान के चलो कोई रॉड है, सिमेट्रिकल मीन्स एक जैसा है, पिने सिमेट्रिकल मीन्स एक जैसा. ठीक है, एक जैसा का मतलब जैसे पूरा का पूरा गोल यानी स्फेयर हो गया. ठीक है, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, पूरा ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह का बॉडी के लिए. ठीक है, बाकी किसी भी तरह के शेप के बॉडी के लिए नहीं वैलिड होगा. ये मान के चलो रॉड है, एक फोर्स इधर से लगाओ और एक फोर्स इधर से लगाओ, क्या होगा, ये सिर्फ घूमेगा, ये सिर्फ घूमेगा, ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, तो ये मामला गड़बड़ है. मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस, अच्छा किसी चीज का मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज होता किसमें है, मशीन में. अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है, इसका मतलब आपको उसको उठाने के लिए उसके वजन से कम फोर्स लगाना पड़ेगा. तो देखते हैं क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट लार्ज. चलिए ये आपका आंसर सही हो गया. ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है. चलिए आते हैं नीट 2016 के सवाल पे। देखो तो फिर से वही वाला सवाल रिपीट कर दिया, ठीक है, फिर से वही वाला सवाल रिपीट कर दिया बाबू। क्या है, बोले थे ना कि सवाल रिपीट भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। A rigid ball of mass m, a rigid ball of mass m strikes a rigid wall, ठीक है, a rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in figure। कि गया भी v से, आया भी v से और एंगल भी सेम रखा। The value of impulse imparted, ठीक है, the value of impulse imparted। जरा सा गौर से देख, ये वाला कंपोनेंट v का और ये वाला कंपोनेंट तोड़ो, ये कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ये वाला कितना डिग्री 30 डिग्री, तोड़ने वाला क्या जाता है, ये हो गया v cos 30 और ये कितना हो गया v sin 30। अच्छा, ठीक उसी तरह से ये वाला आपका v वेक्टर, ये वाला आपका v वेक्टर। चलिए ठीक है, अब ये वाला एंगल वेंगल देख ले और ये इधर। एक बात आपको बताएं कि सेम वैल्यू रहना है, तो सेम वैल्यू रहना है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 60 तो ये वाला कितना हो जाएगा 30, तो इधर हो गया v cos 30 और ये वाला कितना हो गया v sin 30, v sin 30, ठीक है। बराबर बराबर पैरेलल के बीच का जो एंगल वेंगल होता है सेम होता है, तो ये 60 तो ये भी 60 तो ये वाला कितना 30। अच्छा, अगला एक बात देखो, वही वेलोसिटी दीवार के अलोंग वाला चेंज नहीं किया, टक्कर के पहले भी इधर कितना v cos और इधर कितना v cos, ठीक है। तो फिर से लिख देते हैं, याद रखना वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू वॉल वोंट चेंज, ओ हो अलोंग द वॉल, which is along the wall won't change, along the wall won't change, ये change नहीं करेगा, won't change, ये change नहीं करेगा, ठीक है। ये तो change नहीं करेगा, ये तो same ऐसे करके आया है, change करेगा कौन, गया इधर लौटा इधर, वही तो टक्कर मारा होगा। अच्छा एक बात बताओ, इंपल्स कब होगा, जब टक्कर होगा। एकदम बच्चों की तरह समझते हैं, तुम फेंक दो बॉल को इधर, ये इधर आएगा, कौन सा टक्कर, कहाँ इंपल्स, तुम फेंको इधर, इधर से गया फोर्स लगाया और इसके चलते लौटा, यही वाला कंपोनेंट ना इंपल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा बाबू। तो चलिए सीधा सीधा मामला करते हैं सेट, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव। नाउ इंपल्स, तो क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल, तो इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा बोलो तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और किधर परपेंडिकुलर टू दीवार वाला, ठीक है। तो मास एम वी फाइनल कितना हो गया बताइए तो, सुप्रियो चौधरी जी, सी चेक कर लेते हैं बाबू, बहुत अच्छे। ये इधर से गया और ये इधर से लौटा, तो कितना हो गया बोलो तो v sin 30 माइनस ऑफ, अगर इधर वाले को प्लस तो इधर को माइनस, तो माइनस ये फॉर्मूला वाला और माइनस v sin 30, ठीक है, v sin 30, sin 30 का मान कितना 1, तो क्या हो गया m v बाई टू माइनस माइनस प्लस v बाई टू कितना ये, तो आंसर आ गया mv, ठीक है, आंसर आ गया mv। जरा सा देखिए सुप्रियो, आंसर तो ये आ रहा है, mv आ रहा है आंसर, ठीक है, आंसर तो mv आ रहा है और ये आंसर आपका कितना हो गया तो m इंटू वी, ठीक है, mv। चलिए अब तो इस तरह दीवार के टक्कर वाले में क्या करना, दीवार के टक्कर वाले में अलोंग द दीवार वाला कंपोनेंट चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि उधर तो फोर्स ही नहीं लगा। रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो परपेंडिकुलर टू द वॉल होगा, और चूंकि मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान दीजिएगा अगर ये डायरेक्शन प्लस तो इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा माइनस, और फॉर्मूला में माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ठीक है, क्या बोला अगला सवाल, ये क्या बोला है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m एंड रेडियाई r एंड 2r आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विथ इनिशियल सेपरेशन इक्वल टू, ये गौर से देखो तो कि ये था यहाँ पे, ठीक है, और ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, और यहाँ पे था, यहाँ पे एक मास था कितना तो, और ये रेडियस कितना बोला है 2r, इसका मास कितना दिया, 2 स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m, इसका मास m, और इसका मास कितना रे बालक, इसका मास 5m, ठीक है, and radii r and 2r are in free space with initial separation between the center to center का distance दिया 12r, ठीक है, हाँ, सेंटर टू सेंटर। इफ दे आर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, अगर वो एक दूसरे के पास आया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी बिफोर कॉलिजन। अच्छा, कॉलिजन, ठीक, देख लीजिए कोई बड़ा बात नहीं है, सारा डिस्टेंस हम यहां से माप रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्यों पढ़े हैं ग्रेविटेशन में, एक मास दूसरे को अट्रैक्ट करता है कितना फोर्स से, G m1 m2 by r square से, तो थोड़ा ये चलेगा, थोड़ा ये चलेगा, तो यहां तक मान के चलो यहां आया ये और यहां आया ये और टक्कर हो गया, ठीक है। अब गौर से देख तो, माना कि ये वाला डिस्टेंस है x1, तो इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो तो, इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला रेडियस r और ये वाला रेडियस कितना 2r, ठीक है, 2r, ये r और ये 2r, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा x1 plus 3r, तो x1 plus 3r। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बढ़िया सवाल है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, कैसा फोर्स, इंटरनल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा, तो सीखे थे क्या, इफ F external 0 position of center of mass won't change, center of mass का position change नहीं करेगा, तो लिखेंगे XCM initial बराबर XCM final, अच्छा, XCM का फॉर्मूला क्या, m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2, तो चल सारा दूरी कहां से मापना, सेम जगह से, ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा दूरी अलग जगह से, रेफरेंस का मामला है, ठीक है। चलिए यहां से शुरुआत में मास m और इसका डिस्टेंस यहीं से सेंटर टू सेंटर 0 प्लस दूसरा मास m2 कितना 5m और इसका डिस्टेंस यहां से कितना 12r डिवाइडेड बाय m प्लस 5m। अच्छा, ये सही भाई। अगला फाइनल वाली बात करते हैं, तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो फाइनल में फाइनली ये यहाँ पे गया, तो इसका दूरी कितना तो x1, तो लिखेंगे m x1 प्लस कितना 5m इंटू, अब m1 m2 x2, तो इसका दूरी कितना x1 plus 3r होल डिवाइडेड बाय m प्लस 5m और ये कट गया और यहाँ से आ गया आपका कितना 12×5 = 60, 60m इंटू r इक्वल टू कितना हो गया m x1 प्लस 5m x1 प्लस 5×3 = 15, 15m इंटू r और ये 60 - 15 तो 45m इंटू r इक्वल टू 5 और 1 = 6, 6m x1। m और m कैंसिल हो गया और 55r/6 इक्वल टू x1 और 6 × 7 = 42 और आधा 7.5, 7.5r। ये बढ़िया सवाल में से आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये कितना आ गया तो ये आ गया आपका 7.5r, ठीक है, 7.5r। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 2014 बोले थे 10 साल का जितना भी PYQ है सारा सॉल्व कर लेंगे और इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। The force F acting on a particle of mass m indicated by the force time graphs on the change in momentum। देखो तो जरा सा, the change in momentum पूछा है आपसे, तो यूज करना है फॉर्मूला F equal to dp by dt एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा बाबू, डी पी इक्वल टू एफ डी टी, dp इक्वल टू एफ डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, t इनिशियल पे मोमेंटम इनिशियल और t फाइनल पे मोमेंटम फाइनल और मोमेंटम फाइनल, इंटीग्रेशन dp का वैल्यू कितना p और आ गया p इनिशियल से लेके p फाइनल इक्वल टू, अच्छा एक बात बताना ये एक लाइन और, t इनिशियल से t फाइनल एफ डी टी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल। अच्छा ये जो है इसी को तो बोलते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम, इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। p फाइनल माइनस p इनिशियल इसी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व, एफ टी ग्राफ। अच्छा ग्राफ भी देखेंगे कैसे, टाइम एक्सिस के ऊपर को पॉजिटिव और नीचे के एरिया को निगेटिव, नीचे के एरिया को क्या चीज तो निगेटिव, ध्यान से देख बाबू, ऊपर का एरिया ये वाला ठीक है और नीचे का एरिया ये वाला ठीक है, ऊपर का फिर से एरिया ये वाला, तो कितना हो जाएगा नेट एरिया, एरिया जरा निकाल लें, ट्रेंगल है ठीक है, क्या है तो ट्रेंगल है, तो 1/2 इंटू बेस 0 से 2 इंटू हाइट कितना तो 6, चलिए माइनस कितना यहां से यहां 2 और 4 और ये कितना 3, तो लंबाई कितना 2 से 4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो कितना 2 इंटू 3, फिर से ऊपर का एरिया प्लस, तो 4 से 8 तो कितना 4 और ये वाला हाइट कितना 3, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा बालक बताओ, तो टोटल जरा सा ये कट गया 6 - 6 + 12, तो माइनस माइनस प्लस और ये आ गया कितना तो 12, ठीक है ये कितना आ गया तो 12, इस तरह से। चलिए हैप्पीनेस, बहुत अच्छे बाबू, तो इस तरह से हम लोग पिछले 10 साल का सारा PYQs कर लिए, ठीक है ये आसान चैप्टर में से है, आप एक बार फिर से थ्योरी रिवाइज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा थ्योरी का नीड है तो मेंटर्स के ही चैनल पे बहुत बार बोल चुके हैं कि एक सीरीज चला था वरदान सीरीज, उसमें सेंटर ऑफ मास कॉलिजन बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है तो आप उसको देखिए, ठीक है अगर आपका रिवीजन क्लियर है तो आप फिर से एक बार सारा का सारा PYQs क्लियर कीजिए। ये सीरीज रिवीजन के लिए था, वरदान सीरीज जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए था, तो यही उसमें 10-12 लेक्चर में करा दिए हैं बाबू, ठीक है तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं और ये इसमें सारा का सारा PYQs करा दिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल, बाय।